पुलिस भर्ती पेपर लीक से जहां प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं की उम्मीद पर पानी फिर गया है, वहीं विपक्ष को चुनावी वर्ष में बड़ा मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस ने मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने डीजीपी को बर्खास्त कर सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग की है। कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि हिमाचल में पेपर माफिया सक्रिय है। माननीय मुख्यमंत्री जी से दो सवाल करना चाहती। जो पुलिस भर्ती में पेपर लीक हुआ, उसमें कुछ चीज़ें पब्लिक डोमेन में मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए बाहर आ रही कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें लोगों ने 6 लाख से 8 लाख रुपए तक का पेमेंट किया और पेपर खरीदा। यह अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हिमाचल प्रदेश की साख आज दांव पे लगी है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आप इसमें जो है निष्पक्ष जाँच कराने की ज़रूरत है, जो कम से कम सीबीआई से होनी चाहिए या सिटिंग जज से होनी चाहिए। आप ये नहीं कर सकते हैं, पुलिस का पेपर, पुलिस ही उस पेपर को करवा रही थी, पुलिस ने ही कंडक्ट करवाया और प्रश्न पत्र भी पुलिस ही बना रही है, और आप एसआईटी बना के प्रदेश की जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि वही चोर वही कोतवाल, ये नहीं चलेगा। आज हिमाचल प्रदेश की साख का सवाल है और इसमें एक बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है, करोड़ों रुपये का लेन देन हुआ है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी सीबीआई इंक्वायरी करवाएँ और सिटिंग जज से जो है इसको इंक्वायर किया जाए। ये हमारी मांग मुख्यमंत्री डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश में माफिया राज पनप रहा है, पहले शराब माफिया का वजह से हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे देश में बदनाम हुआ, उसके बाद ये पेपर जो लीक हो रहे हैं बार बार, जे एओ का भी पेपर लीक हुआ, पुलिस भर्ती का भी लीक हुआ। पुलिस प्रशासन को अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए नैतिकता के आधार पर, डीजीपी साहब को अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को निकालना चाहिए। जब हमारी साख खराब हो रही हो, जनता का विश्वास हम पे उठ रहा हो, आने वाले समय में जो और भी एग्जाम्स होंगे, ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों का विश्वास जीतने के लिए इसका सही प्रूफ होना बहुत आवश्यक है। सवाल है कि 8 साल का आप अपना बताएं हिसाब किताब कि आपने देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं, आज देश कहाँ जा रहा है, ये नड्डा साहब को बताना चाहिए प्रदेश की जनता को कि हमारे 8 साल में आप केवल हर बार आते हैं, कांग्रेस लीडरशिप को कोसते हैं, एक परिवार की पार्टी है भाई, आप छोड़िए, वो तो लोगों ने विपक्ष में बैठा दिया, आप अपना बताइए कि आपने क्या किया, आप बताइए कि महंगाई पे आपका मॉडल क्या है, किस प्रकार प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी, बेरोजगारी से लोग कैसे बाहर निकलेंगे। नड्डा साहब को बड़े मुद्दों पे बात करनी चाहिए। एंस्टर न्यूज़ के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।